प्रेरणा विमर्श 2022 के तीसरे दिन के तीसरे सत्र में लेखनी गढ़ती भविष्य का भारत विषय पर मंथन हुआ। लोगों ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई तथ्यों को जाना, साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथियों से कई प्रश्न भी किए। आइए सुनते हैं उनका वक्तव्य। हमारे शिक्षा संस्थानों में जो शोध हुए हैं वो एक खास नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए हैं, और जब हम कहते हैं कि एक पुस्तक से चार पुस्तक बनती है और जो शोध का टॉपिक होता है अल्टीमेटली परिणाम वही होता है जो 100 साल पहले था। आज ये आवश्यकता है कि शोध का जो नैरेटिव है, क्योंकि आज लड़ाई नैरेटिव की है, और अगले 25 वर्ष में भी अगर हम जो गलत विमर्श देश में चले हैं उन्हें सही तथ्यों के साथ नहीं बदलते तो अल्टीमेटली 25 वर्ष बाद भी हम वहीं होंगे जब देश स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा हो। कि हमारे अंदर जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से जो हीन भावना पैदा की गई है, हमारा स्वत्व का भाव जो नष्ट किया गया है, उस भाव को हमें फिर से स्थापित करना है। एक चीज से बड़ी क्लियर निकल के आ रही है कि भारत जो आजाद हुआ था, जैसे कि सन 45 और 46 के बीच के जितने आप रिकॉर्ड इंटेलिजेंस के या हाईएस्ट लेवल पे जो अंग्रेज थे, डिसीजन मेकर थे, अब उनके चेक करेंगे तो उसमें क्लियर साफ नजर आ रहा है कि अहिंसा का कोई जीरो कंट्रीब्यूशन है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उनसे धरनेबाजी से अंग्रेजों को कि आप धरने बैठ के अंग्रेज पढ़ के चले गए, तो बकवास बच्चों वाली कहानियाँ, वो स्टोरी प्लांट की गई थी अंग्रेजों को अच्छा दिखाने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है कि वो यहाँ से जो गए थे उसका कारण ये था कि सुभाष बोस की वजह से, INA की वजह से इस देश में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी फौज के अंदर, और वो फौज की वजह से ही देश को कंट्रोल कर रहे थे, तो उस वजह से आज़ाद होता। हम लोग, हमारा ये मानना है, उस पर मैं पूरी डिबेट कर सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा खतरनाक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको। अभी लोग राजी नहीं होंगे, खासकर भाजपा के लोग राजी नहीं होंगे। एक डिबेट के अंदर एक भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे बोला था कि हम तो गांधी भक्ति करेंगे, आपको परहेज होगा, मुझे परहेज नहीं है, पर मुझे तो है। मैं तो अभी वो समय नहीं आया, लेकिन वो समय आएगा कि हम खुल के डिबेट करेंगे उस पर कि गांधी जी का अनफॉर्चुनेटली अच्छे काम किए लेकिन अंग्रेजों को फर्क पड़ा नहीं उससे कुछ। तो आज़ाद भारत को जो भी ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है या इंडिपेंडेंट है, उसका मेन कारण सुभाष बोस, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक, तो उसको उनका ड्यू मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा बेइंसाफी हुई हमारे साथ। दूसरा ये कि उनकी डेथ का इशू सेटल होना चाहिए।